बहुत ही प्यारे किसान वीरो, मैं तुहाडे नाल नींबू जाति की नर्सरी ते बागां विच थ्रिप माइट ते हनेरी नाल पैदा होने बारे लक्षणों बारे अपने विचार सांझे करांगा। सब तो पहला गल करांगे नींबू जाति की नर्सरी दे विच थ्रिप दे हमले बारे। नींबू जाति की नर्सरी च थ्रिप का हमला जदों बूटे बहुत छोटे आकार के होंदे है उदों ही होना शुरू हो जाता है। जिहड़े थ्रिप ने बहुत ही महीन आकार के काले या भूरे रंग के छोटे छोटे जीव ने जिहड़े पत्तियां दे हेठले पासे हमला करते हैं, पत्तियां नूं खुरचदे है। जे देखिए तो पत्तियां उपर किंगड़ियां जिहियां पैदा हो जांदियां, पत्ते बिंगे टेढ़े आकार के हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं। सो ये जिहड़े ने नींबू जाति की नर्सरी च थ्रिप के हमले के मुख लक्षण ने। किसान वीरो, मैं तुहानूं थ्रिप की पहचान बारे दसना चाहांगा। थ्रिप के जिहड़े बच्चे ने गुलाबी रंग दे बहुत ही बरीक होंदे है, एक पत्ते उत्ते 15-15 बच्चे जिहड़े तुहानूं नज़र आ सकते हैं। जिस दी बालग दी गल करिए तां बालग काले रंग दे होंदे हन, पत्तियां उत्ते तेज़ तेज़ दौड़दे नज़र आते हैं, बहुत ही छोटे आकार दे होंदे हन। उस तों बाद जे गल करिए बाग विच, बाग विच इसका हमला फरवरी मार्च जदों नींबू जाति दे बूटे नूं फुल पैंदे आ उदों ही होना शुरू हो जाता। आम तौर पर यह जिहड़ा हमला ये अणगौलिया रह जाता है क्योंकि फुल दे विच कीड़े होने करके किसान वीरां नूं इस दे हमले का पता नहीं चलता। जदों अप्रैल दे विच अप्रैल मई दे विच जदों मटर दे आकार दे दाने हो जाते हैं उदों इसका जिहड़ा हमले दे लक्षण नज़र आने शुरू हो जाते हैं। बहुत ध्यान नाल देखिए तो फल की डंडी वाले पासे फल दे उत्ते चांदी नुमा एक छल्ला जिहा बन जाता है जिहड़ा कि थ्रिप दे हमले का फल दे उत्ते मुख लक्षण है। ये जिहड़ा छल्ला जिन्नी देर तक फ्रूट की तुड़ाई नहीं हो जाती ये उदों तक फल के उपर ही रहिंदा है। भावें कि इसका इसकी गुणवत्ता से कोई फर्क नहीं पैंदा, पर हुण पिछले कुछ साल तो पंजाब तो जिहड़ा किन्नू दे फ्रूट बाहरले मुल्कां नूं जाने शुरू होए आ। सो ये जिहड़े इहो जिहे फल हुंदे आ हमले वाले वह कई बार बाहरले मुल्कां वाले इस नूं पसंद नहीं करते, तो ये जिहड़ी अपना बाहरों फ्रूट बाहर भेजदे आ कई बार वह जिहड़ी कंसाइनमेंट है वह रद्द हो जाती है। दूसरा जिहड़ा है माइट का हमला, माइट का हमला भी नर्सरी विच हुंदा ते बागां च हुंदा। माइट जिहड़ा कीड़ियां दी श्रेणी च नहीं आंदे, बहुत ही छोटे आकार दे जीव हुंदे आ। इहनां दा हमला आम तौर ते जदों गर्मी शुरू हुंदी आ पंजाब च मार्च अप्रैल तो लैके सितंबर अक्तूबर तक चलदा। पत्तियां उत्ते जे ध्यान नाल देखिए तां पत्तियां दे हेठले पासे चिट्टे चिट्टे निशान पए हुंदे आ। माइक्रोस्कोप से ही ध्यान नाल नज़र आता, जां बहुत चंगी क्वालिटी का लेंस होवे उहदे विच वी जिहड़े माइट दे बच्चे जां अंडे जां बालग नज़र आ जांदे आ। इन्हां दे हमले नाल पत्तियां ते चिट्टे चिट्टे निशान पै जांदे आ, पत्ते खुरदरे हो जांदे आ, बहुत अगली अवस्था च जा के पत्ते जिहड़े आ भूरे हो जांदे आ ते झड़ जांदे आ। फलां उत्ते जे इस दी गल करिए लक्षण दी, थ्रिप नालों इहदा फर्क इही है वी फल दे उपर थ्रिप च जिवें मैं पहलां दस्सिया कि चांदी नुमा छल्ला बन जांदा, इहदे विच जिहड़े उगड़े दुगड़े फल दे चारे पासे निशान पै जांदे आ। इस दा हमला यह भी एक उपरों उपरा हमला हुंदा है, फल की क्वालिटी ते जां गुणवत्ता ते इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पैंदा। पर जिवें मैं पहलां गल कीती आ वी क्योंकि हुण पंजाब चों किन्नू दे फल बाहर जाने शुरू हो गए हैं तो एक्सपोर्ट दे विच आपां नूं इहो जिहे फलां नूं भेजण च मुश्किल आएगी क्योंकि इहो जिही कंसाइनमेंट रद्द हो सकती है। तीसरा जिहड़ा लक्षण ने उह हैगे ने हनेरियां नाल पैदा होण वाले लक्षण। हनेरियां पंजाब च जिवें आपां नूं पता कि अप्रैल तो लैके जून तक ज़्यादा चलदियां। हनेरी दे नाल फल जिहड़े ने कंडियां च वज वज के जां टाहणियां च वज वज के खुरदरे हो जांदे ने। सो इहदे कोई खास लक्षण नहीं हुंदे, किन्ने क ज़्यादा कंडे वजदे आ जां टाहणियां वजदियां उस हिसाब नाल इहदे लक्षण पैदा हुंदे आ। तकरीबन जिहड़ा फल हैगा बहुत ज़्यादा खुरदरा हो जांदा, चारे पासिओं फल दे लकीरां जिहियां पै जांदियां ते इह वी फल जिहड़ा मंडी च सही भाव नहीं दिंदा। किसान वीरो, मैनूं आस है कि ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਤੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਥ੍ਰਿਪ ਮਾਈਟ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।